नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशंस में इंडिया का क्या योगदान रहा है, अभी क्या योगदान है और बाकी कंट्रीज जैसे यूएसए, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये किस तरीके से यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग मिशन में योगदान करती हैं और ये पीस कीपिंग मिशन बेसिकली होते क्या हैं, यहाँ पर किया क्या जाता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो बहुत कुछ जानेंगे यहाँ पे। यहाँ पे ये भी जानेंगे कि ये जो सोल्जर्स यहाँ पे यूएन पीस कीपिंग मिशन में जाते हैं इनको सैलरी कितनी मिलती है, कितनी पेमेंट यूएन इनको करता है, तो बहुत कुछ यहाँ पे जानने को है। लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी आईक्यू के पेन ड्राइव और टैबलेट कोर्सेज इन सब एग्जाम्स के लिए अवेलेबल है। आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एसएससी, बैंक, यूपीएससी, नबार्ड, स्टेट पीसीएस कोर्सेज, डिफेंस एग्जाम्स, वेरियस एग्जाम्स के पेन ड्राइव और एंड्रॉयड कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं studyiq.com से। रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने इंडिया की बढ़ चढ़ के तारीफ करी। इन्होंने यहाँ पर कहा कि वो इंडियन गवर्नमेंट को थैंक करते हैं क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने ओवर द ईयर्स बहुत बड़ा रोल निभाया है दुनिया में पीस, स्टेबिलिटी, ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करने में, और इंडियन सोल्जर्स का भी यहाँ पे शुक्रिया अदा किया क्योंकि बहुत ही बड़ी संख्या में इंडियन सोल्जर्स ने भी यूएन के पीस कीपिंग मिशंस में पार्टिसिपेट किया है। तो ये इनकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट थी। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतारेस हैज थैंक्ड इंडिया फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग और सस्टेन्ड, लगातार जो इंडिया का सपोर्ट गया है यूएन को, उसके लिए इंडिया को थैंक किया। और ये भी कहा कि ओवर द ईयर्स जो 163 इंडियन पीस कीपर्स मर गए हैं यूएन के मिशंस में, उनके लिए उनकी मेमोरी को आज भी यूएन जिंदा रखता है और उनका जो योगदान था, उनका जो बलिदान था यहाँ पे, वो कभी यूएन भुलाएगा नहीं। उसके अलावा उन्होंने एक और चीज़ की भी तारीफ करी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको शायद पता नहीं होगा, काफ़ी एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी कि 125 इंडियन वेमेन पीस कीपर्स इस वक्त एज ए पुलिस यूनिट काम कर रही है लाइबेरिया में। लाइबेरिया मिडल ईस्ट में नहीं है, लाइबेरिया आपको अफ्रीका में मिलेगी, ये कंट्री है, वॉर टोन कंट्री है, काफ़ी ख़राब हालत है उसकी। यहाँ पे आप देखोगे ये वर्ल्ड मैप है यहाँ पे, ठीक है, ये इंडिया है यहाँ पे और ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के आप अगर यहाँ पे वेस्टर्न साइड को देखोगे तो यहाँ पे इस एरिया में एक छोटा सा आपको देश दिखेगा, ये है लाइबेरिया, इसकी कैपिटल है मोनरोविया। तो यहाँ पे काफ़ी ख़राब हालत है और इंडियन वुमेन पीस कीपर्स यहाँ पे पुलिसिंग कर रही है और ये अपने आप में कमाल का इनिशिएटिव है, रिमार्केबल इनिशिएटिव है और इसको भी यूएन के चीफ ने सराहा। अब एक बेसिक क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा कि यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपर्स हैं क्या, ये किस तरीके से पीस कीपिंग करते हैं, इनका काम क्या होता है। देखो, मैं कुछ यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझाने के बजाय कुछ जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं आपके माइंड में उनको आंसर करूँगा। सबसे पहली बात, ये पीस कीपर्स को भेजता कौन है। देखो, ऐसा नहीं है कि ये पीस कीपर्स सीधा यूएन के सेक्रेटरी जनरल के अंडर होते हैं, ये यूएन की पर्सनल आर्मी हो गई। ये पीस कीपर्स बेसिकली इकट्ठा किए जाते हैं यूएन द्वारा, यहाँ पे दुनिया भर की कंट्रीज अपना योगदान देती है, कोई कंट्री 8,000 पीस कीपर भेजती है, कोई 7,000, कोई 6,000, धीरे धीरे करके एक बहुत ही बड़ी आर्मी यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है। अब ये जो पीस कीपर्स हैं इनको देखो वॉर के बीच में नहीं भेजा जाता। आप इनका जो नाम देखोगे पीस कीपर्स, ऐसा नहीं है कि मान लो फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कल को रशिया और जापान के बीच में वॉर हो जाती है, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो वॉर के बीच में यूएन ये पीस कीपर्स भेज देगा वॉर को रोकने के लिए, ऐसा नहीं होगा। ये अपनी वॉर जो भी है ख़त्म करेंगे, आपस में लड़ेंगे, उसके बाद जब सीज़ फायर हो जाएगा उस सीज़ फायर को मेंटेन करने के लिए यूएन के पीस कीपर्स यहाँ पर आएंगे, ये यहाँ पर डिप्लॉय किए जाएंगे। और दूसरी बात, ये ऐसा नहीं है कि अचानक से यूएन डिसीजन लेगा कि अब हमको यहाँ पर पीस कीपर्स भेजने हैं। ये पीस कीपर्स भेजने के लिए भी उस वक्त जापान की सरकार और रशिया की सरकार राज़ी होगी, वो इनको इनवाइट करेगी कि अब हम यहाँ पे पीस रखना चाहते हैं, मगर फिर भी कुछ फैक्शंस आपस में लड़ना पड़े उनको रोकने के लिए यहाँ पे पीस कीपर्स आप डिप्लॉय कर लीजिए। तो इस तरीके से पीस कीपर्स यहाँ पे डिप्लॉय होते हैं। तो आज के टाइम में यूएन के पीस कीपिंग मिशंस आपको इन सब लोकेशंस में मिलेंगे, हाइती में, माली में, गोलन, इंडिया पाकिस्तान में जो कश्मीर इशू है उसको लेकर भी आपको पता है एक यूएन पीस कीपिंग मिशन डिप्यूट किया जा चुका है। फिर कॉन्गो में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की मैं बात कर रहा हूँ, कॉन्गो भी दो टाइप के हैं। फिर है साइप्रस, कोसोवो, मिडिल ईस्ट में आपको मिलेंगे यूएन के पीस कीपिंग मिशंस वेरियस जगहों पे। फिर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, लेबनान, साउथ सूडान, ज़्यादातर इंडियन आर्मी आपको सबसे मुश्किल यूएन पीस कीपिंग मिशन में पार्टिसिपेट करती हुई दिखेगी, फॉर एग्जांपल कॉन्गो या साउथ सूडान में। तो अब ये जानते हैं कि कौन सा देश कितने सारे सोल्जर्स यूएन पीस कीपिंग मिशंस के लिए भेजता है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट है, ये लेटेस्ट लिस्ट है 2018 की, जनवरी 2018 की लिस्ट है ये। नंबर वन पे आपको यहाँ पे दिखेगा इथोपिया 8380 सोल्जर्स के साथ। नंबर टू पे है बांग्लादेश जो करीब 7000 सोल्जर्स यहाँ पे भेजता है। फिर नंबर थ्री पे आता है इंडिया, नंबर पाँच पे है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बिल्कुल पीछे है नेपाल, और उसके बाद आप देखोगे चाइना है नंबर 12 पे। चाइना करीब 2600 सोल्जर्स भेजता है, मगर यहाँ पे मैं आपको अभी आगे जाके बताऊँगा कुछ और थोड़े कॉन्सेप्ट है वो भी आप समझ लेना। उसके बाद आप जानोगे कि असल में आज के टाइम में यूएन पीस कीपिंग में सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर एक्चुअली चाइना है। वेराज आप यूएसए को देखो तो यूएसए इन पीस कीपिंग मिशन में सिर्फ 57 सोल्जर्स भेजता है, इसमें कुछ ऑफिसर्स भी होते हैं तो सिर्फ 57। तो ओवरऑल वॉर वगैरह में यूएस सबसे आगे रहता है, मगर जब पीस कीपिंग करनी होती है तो वहाँ पे यूएस सोल्जर्स इतना कंट्रीब्यूशन करते नहीं है। अब इस सब में आपके माइंड में एक क्वेश्चन भी आएगा कि डेवलपिंग वर्ल्ड से ही बहुत सारी कंट्रीज इतने सारे सोल्जर्स यहाँ पे यूएन पीस कीपिंग मिशन में क्यों भेजती है। आप पूरी लिस्ट आप देखोगे वहाँ पे कोई भी डेवलप्ड कंट्री आपको टॉप 10 में नहीं दिखेगा, सारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इंडिया, इथोपिया, पाकिस्तान, नेपाल। तो इसका रीज़न क्या है? देखो इसका रीज़न थोड़ा सिंपल सा ही है और वो है मनी। टू बी ऑनेस्ट जो भी ये पीस कीपिंग मिशन के सोल्जर्स होते हैं, जितना उनको सैलरी अपने कंट्री में नहीं मिलेगी उससे काफ़ी ज़्यादा यूएन प्रोवाइड करता है। अभी जो रीसेंट डेटा है इस पर बीबीसी ने एक बहुत ही बढ़िया आर्टिकल भी लिखा था, उसमें ये पता लगा है कि यूएन पर पीस कीपिंग सोल्जर को करीब $1410 पे करता है। ये रफली आप कह लीजिए, रफली कह रहा हूँ मैं, 93,000 रुपीज़ हैं, इंडियन रुपीज़। ये आपको भी पता है कि कोई भी इंडियन सोल्जर्स इंडिया में सर्विस करते हुए इतनी बड़ी सैलरी नहीं लेता, तो सीधी सी बात है वहाँ पे उनको पर सोल्जर के हिसाब से ज़्यादा पे मिलती है। मगर इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यूएन ये जो पैसा है पर पीस कीपर $1400, ये डायरेक्टली सोल्जर को नहीं देता, ये इकट्ठा हो करके, मतलब मान लो कोई भी कंट्री है, फॉर एग्ज़ाम्पल इथोपिया है, वो 8000 भेज रहे हैं, तो 8000 इंटू ये जो पैसा है इसको मल्टीप्लाई करके जो भी अमाउंट बनेगा वो सीधा इथोपिया की सरकार को भेज देते हैं। बाद में वो किस तरीके से अपने सोल्जर को पैसे देते हैं, नहीं देते या जो भी है, दैट इज़ अप टू द गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से सिस्टम काम करता है। देखो ये जो हर महीने की सैलरी है $1400, ये तो खैर अपनी जगह हो गई। उसके अलावा आप यूएन पीस कीपिंग सोल्जर्स को उनका जो पूरा आपको पता है आर्मर चाहिए, उनको ब्लू हेलमेट चाहिए होते हैं अलग से, उनको बंदूकें चाहिए होती हैं, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उनको जीप्स चाहिए वहाँ पे जहाँ भी वो काम करेंगे, उनको जहाँ पे डिप्लॉय करना है उसके लिए आपको एयरक्राफ्ट्स भेजने पड़ेंगे वहाँ पे, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स, तो इस सब में भी काफ़ी योगदान चाहिए होता है। तो ओवरऑल सीधी सी बात है यूएन पीस कीपिंग मिशन में फ़ंड की आवश्यकता होगी। अगर हम कंट्रीज़ की लिस्ट देखें जो इस यूएन पीस कीपिंग मिशन बजट में कंट्रीब्यूट करती है, तो वहाँ पे नंबर वन आपको कंट्री दिखेगा यूएसए। सोल्जर्स के मामले में बहुत ज़्यादा कम है, सिर्फ 57 सोल्जर्स, मगर सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पे यूएसए खर्चता है। फिर नंबर टू पे इंटरेस्टिंगली आ गया है चाइना, करीब 10% के आसपास। तो अब आप सोच सकते हैं कि चाइना का कंट्रीब्यूशन आज के टाइम में यूएन पीस कीपिंग में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वो सोल्जर्स भी काफ़ी सारे भेजते हैं, करीब 2600 के आसपास। फिर उसके बाद चाइनीज़ गवर्नमेंट अपने अमाउंट से, अपना जो उनके पास पैसा है, सरकारी जो खजाना है, उसमें से भी 10% जो यूएन की रिक्वायरमेंट्स है पीस कीपिंग बजट में वो भी पूरी कर रही है। फिर जापान भी आपको दिखेगा यहाँ पे, जर्मनी, ये सब कंट्रीज सोल्जर्स बहुत कम भेजती हैं मगर पैसा भेज देती हैं सोल्जर्स के लिए। इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, हम सब आगे आ जाते हैं। अब देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता रहा हूँ, रिसेंटली इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स भी ऑब्जर्व किया गया था। इसकी डेट है 29 मई, ठीक है, हर साल ये ऑब्जर्व किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन कर लेना। अब हम देखते हैं कि इंडिया ने ओवर द ईयर्स यूएन के पीस कीपिंग मिशंस में कहाँ का योगदान दिया है और ओवरऑल इंडिया का इम्पैक्ट यहाँ पे कितना ज़रा गहरा है। देखो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को बनाया गया था 1948 में और 1950 से इंडिया ने यहाँ पर बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया है। करीब 50 के आसपास यूएन पीस कीपिंग मिशंस में इंडिया पार्टिसिपेट कर चुका है और इन मिशंस में, इन 50 मिशंस में करीब 200,000 इंडियन सोल्जर्स ने योगदान दिया है। मतलब कि ये नहीं कह रहा कि इस वक्त 200,000 इंडियन सोल्जर्स यूएन के लिए काम कर रहे हैं, अभी के लिए काफ़ी कम ही काम कर रहे हैं, मगर ये जो 200,000 है ये 1950 से लेकर अब तक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कई वापस भी आ जाते हैं, कई फिर से जाते हैं, तो इन सबको काउंट करके यहाँ पे ये हम नंबर बना रहे हैं। अब देखो सबसे पहले यूएन सोल्जर्स दिखे यूएन पीस कीपिंग मिशन में कोरियन वॉर के बाद,
नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में वॉर हो गई थी, जैसे आपको पता होगा उस वक्त नॉर्थ कोरिया ने अटैक किया था साउथ कोरिया पे। ये वॉर अभी तक ऑफिशियली ख़त्म हुई नहीं है। अभी जो रिसेंट आपको पता है बातचीत चल रही है किम जोंग उन और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट मून के बीच में, वो ये बात चल रही है कि ये वॉर पहले ऑफिशियली ख़त्म करते हैं, फिर आगे तरक्की की हम बात करेंगे। तो इस वॉर में इंडियन आर्मी ने काफ़ी योगदान दिया। इंडियन आर्मी की जो एम्बुलेंस ब्रिगेड है ये यहाँ पे पहुँची थी, इंडियन फील्ड एम्बुलेंस जो है, और उसके अलावा पैराशूट ट्रेन्ड मेडिकल यूनिट भी यहाँ पे पहुँचा था। फिर 9 जूनियर कमांड ऑफिसर्स भी यहाँ पे पहुँचे थे, 300 जवान भी यहाँ पर गए थे, और इस पूरे यूनिट को यहाँ पे प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी से भी नवाजा गया 10 मार्च 1955 को। ये अब तक का अकेला मिशन है जिसको प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी से नवाजा गया। उस वक्त प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं, ये एक कोरियन सोल्जर है यहाँ पे, और यहाँ पे एक इंडियन सोल्जर हैं, और इनके आप बैज से पता कर सकते हैं ये एक डॉक्टर हैं, मेडिकल स्टाफ से हैं ये, और ये इनका कोई घाव या इनकी कोई प्रॉब्लम है उसमें हेल्प कर रहे हैं। फिर उसके बाद इंडो चाइना रीजन की वॉर में भी काफ़ी पार्टिसिपेट किया इंडियन पीस कीपर्स ने। अभी देखो इंडो चाइना में ये नहीं कह रहा इंडिया चाइना वॉर, इंडो चाइना जो रीजन है हम कहते हैं इंडिया और चाइना के बीच का जो रीजन है, जहाँ पे आपको कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, म्यांमार, इस सब जो ये जो रीजन है सारा, इसको इंडो चाइना रीजन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर भी ओवर द ईयर्स काफ़ी सिविल वॉर्स हुई हैं, काफ़ी आपस में भी वॉर हुई है, तो यहाँ पर भी जब भी प्रॉब्लम आती थी तो इंडियन सोल्जर्स ने यहाँ पे काफ़ी पार्टिसिपेट किया, इंडियन पीस कीपर्स ने यहाँ पे काफ़ी पार्टिसिपेट किया अंडर यूएन फ्लैग। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 970 ऑफिसर्स गए और करीब 6000 यहाँ पे जवान्स भी डिप्लॉय किए गए, और ये आप फोटो देख सकते हैं इंडो चाइना रीजन में इंडियन सोल्जर्स की। उसके बाद मिडल ईस्ट में बहुत प्रॉब्लम आपको पता है काफ़ी लंबे टाइम से चलती आ रही है, यहाँ पर इंडिया भी एक पार्ट था इस मिशन का। यहाँ पे 12,000 इंडियन जवानों ने कंट्रीब्यूशन दिया पीस कीपिंग करने के लिए, और यहाँ पे इनकी आप फोटो देख सकते हैं, कुछ बकरियाँ हैं यहाँ पे, मिडल ईस्ट के लोग हैं यहाँ पे, इंडियन जवान हैं। और उसके बाद अफ्रीका में एक कंट्री है कॉन्गो, वहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम से सिविल वॉर हुई, तख्तापलट हुआ, और यहाँ पे एक बार प्रॉब्लम ये भी हो गई थी कि देखो ज़्यादातर पीस कीपर्स वॉर में इन्वॉल्व नहीं होते, मगर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि उनको वॉर में इन्वॉल्व होना भी पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्गो में क्या हो गया था, कॉन्गो में दो साइड्स बढ़ गई थी, और यहाँ पे सीज़ फायर दोनों साइड्स में कराने के लिए यूएन पीस कीपर्स यहाँ पे आ गए। फिर अचानक से क्या हुआ, एक साइड के जो प्रेसिडेंट थे उनकी असैसिनेशन हो गई, और यहाँ पे डिस्ट्रस्ट फैल गया, आपस में लोग लड़ने लग गए, और यहाँ पे पीस कीपर्स फंस गए थे, और उनको यहाँ पे फायरिंग करनी पड़ी। यहाँ पे इंडियन जवान करीब 11,000 थे, और कई इंडियन सोल्जर्स भी यहाँ पर मारे गए, कई इंडियन ऑफिसर्स भी मारे गए यहाँ पे, और उसके अलावा इंडियन एयरफोर्स को भी कॉन्गो में यहाँ पे पार्टिसिपेट करना पड़ा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ हैं, ये कॉन्गो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये कॉन्गो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर उसके अलावा आज के टाइम में हम देखें जो करंट मिशन चल रहे हैं उसमें इंडिया लेबनान में इन्वॉल्व है, और ये आजकल काफ़ी एक टेंस्ड एक पीस कीपिंग मिशन है, क्योंकि सीरिया में हालत काफ़ी ख़राब है। और उसके अलावा आइवरी कोस्ट में भी आपको इंडियन पीस कीपर्स मिलेंगे यूएन के। फिर मैंने आपको लाइबेरिया के बारे में बताया, लाइबेरिया में आप देख सकते हैं सन 2007 से इंडियन वेमेन पीस कीपर्स यहाँ पे मौजूद हैं 125, और भारत सरकार ने ये भी कहा है कि आने वाले टाइम में इस नंबर को वो डबल करेंगे, 250 वेमेन पीस कीपर्स यूएन में कॉन्ट्रीब्यूट करेगी। ये बेसिकली इंडिया में जो वेमेन एम्पावरमेंट होती है उसका एक काफ़ी अच्छा सिंबल है, और किस तरीके से वेमेन और मैन इक्वली पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी भी फील्ड में, उसका शाइनिंग एग्जांपल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी प्राउड मोमेंट है इंडियन पीस कीपर्स के लिए। तो ये है हमारी वीडियो का अंत, थैंक्स फॉर लिसनिंग टिल दी एंड इफ यू डिड, गॉड ब्लेस यू ऑल।